स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुलविश। आप देख रहे हैं विशुद्ध राजनीति, जिस शो के जरिए हम बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर आपको रोज रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। 2024 के चुनावी रण में कसाब की चर्चा शुरू हो गई है। कसाब का जिक्र छेड़ा महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और वकील उज्जवल निकम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उस पर विवाद बढ़ गया है, जिसकी शिकायत अब बीजेपी ने चुनाव आयोग में की है। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रनीति और राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी आज जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये उनके असली चेहरे को दिखाता है कि मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उतर रहा है। विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि एटीएस के पूर्व प्रमुख आईपीएस हेमंत करकरे को 2008 के मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं मारा था। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे की हत्या जिस गोली से हुई वो कसाब या आतंकियों की तरफ से नहीं चली थी, बल्कि आरएसएस को समर्पित एक पुलिस अधिकारी के हथियार से चली थी। विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वडेट्टीवार के बयान पर कांग्रेस पार्टी खुद घिर गई है और कांग्रेस अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। वहीं मामले ने तूल पकड़ा तो वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वे मेरे शब्द नहीं हैं, मैंने सिर्फ वही कहा जो एसएम मुर्शीफ की किताब में लिखा है, किताब में पूरी जानकारी थी। और ये बातें मैंने आज नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उस वक्त छपी थी, वो पुराना निकाले आप रिकॉर्ड, बहुत सारे मीडिया में भी छपी थी हेमंत करकरे के बारे में, खून के बारे में, कि जिस गोली से उनका वो शहीद हुए थे वो गोली टेररिस्ट की नहीं थी, ये कहा गया है, ये स्पष्ट है, इसमें दोबारा छुपाने की बात नहीं है, इसका खुलासा वो करे। मैं कोई अपने दिल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किताब की बात कर रहा हूँ जो लिखा गया है। बेशक वडेट्टीवार ने अपने बयान पर सफाई दे दी हो, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में विवाद के बादल मंडरा रहे हैं उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये तूफान जल्दी थमने वाला है, और प्रदेश के चुनाव पर भी इसका असर जरूर होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, इसे लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर अब हंगामा हो रहा है। पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं, ये भी याद रखे, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा, और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। अब इस बयान के पीछे कहानी जान लीजिए। दरअसल फारूक अब्दुल्ला की ये तल्खी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक इंटरव्यू को लेकर झलकी, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही पीओके का भारत में विलय होगा। पता नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूँ कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में बदल। लेकिन यहाँ समझ ये नहीं आ रहा कि पीओके के भारत में विलय से फारूक अब्दुल्ला साहब को कैसी नाराजगी है। देश के गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक कह रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, और अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग खुद भारत का हिस्सा बनने के लिए कहने लगे तो इसमें फारूक अब्दुल्ला को क्या दिक्कत है। और अब बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रैली की। ओडिशा के बहरामपुर में पीएम पूरे कॉन्फिडेंस में कहते हुए नजर आए कि ओडिशा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। इस दौरान उन्होंने लोगों को शपथ ग्रहण का निमंत्रण भी दे डाला। 4 जून बीजेडी की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए। भाइयों बहनों, आज 7 मई है, 6 मई है, आज
6 मई है, 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा, 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। इस दौरान उन्होंने त्रिपुरा और यूपी का उदाहरण देकर लोगों को समझाया कि कैसे त्रिपुरा और यूपी के लोग पिछली सरकारों से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को मौका दिया और अब त्रिपुरा और यूपी तेजी से विकास कर रहे हैं। मैं त्रिपुरा का उदाहरण देता हूँ। जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस शासन ने तबाह कर दिया, साल 2018 में वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और सब नए थे, सारे एमएलए नए, कोई अनुभव नहीं था। जैसे हमारे उड़ीसा में सब मेरे नौजवान साथी चुनाव लड़ रहे, वैसा त्रिपुरा में था। अब त्रिपुरा 5 साल लोगों ने काम किया, इतना काम किया, लोगों ने दोबारा जीत करके बिठा दिया और आज त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश बदनाम हो चुका था, कानून व्यवस्था सब, हमें मौका दिया, योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश धनाधन आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में 13 मई को लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसमें बीजेपी, टीडीपी और जनसेना गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह ने बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का प्रचार किया। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव तीसरे चरण के चुनाव से पहले देश भर के कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और शिक्षाविदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ खुली चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी देश भर के लगभग 200 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और शिक्षाविदों ने लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि राहुल गांधी ने वाइस चांसलर की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि देश की यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट ढंग से एबिलिटी के आधार पर हो रहा है। कुलपति अपने कामकाज में इंस्टीट्यूशंस की डिग्निटी और एथिक्स का ध्यान रखते हैं। अगर ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडियन यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। हाल में कहा गया है कि जिस प्रोसेस के तहत वाइस चांसलर को सिलेक्ट किया जाता है वो बेहद हार्ड और ट्रांसपेरेंट है। इस चिट्ठी के जरिए राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस चिट्ठी पर साइन करने वालों में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, AICTE, UGC के प्रमुख शामिल हैं। वहीं अब इस लेटर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, वाइस चांसलर के लोग जो उसमें नियुक्त हो रहे हैं वो उनकी संघ आयु देखी जाती है, उनकी योग्यता नहीं देखी जाती है, उनकी क्षमता नहीं देखी जाती, कितने पुराने वो लोग हैं वो देखा जाता है कि संघ आयु कितनी है, संघ में कितने दिन काम किए। तो संघ में काम करने वाला व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वहाँ पर नियुक्त होगा तो निश्चित तौर से उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और वो कभी भी अपने विद्यार्थियों के प्रति और वो शिक्षा के प्रति वो कभी भी ईमानदार वफादारी के साथ नहीं कर पाएगा और कभी उनका भविष्य नहीं बना पाएगा। वो जब भी सिखाएगा तो जो उसने सीखा है वही चीज बच्चों को सिखाएगा और वही उसके काम करने में भी चीजें सामने आएंगी। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि चांसलर और शिक्षाविदों की ये नाराजगी राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा, राहुल ने केरल के वायनाड में कहा था कि देश की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति योग्यता को ताक पर रखकर कुछ संगठनों से संबंधों के आधार पर की जा रही है और एक विशेष संगठन के लोगों को भरा भी जा रहा है। चलिए अब रुख करते हैं यूपी की सियासत की तरफ। यूपी की जौनपुर सीट से मायावती की पार्टी BSP ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और आखिरी वक्त में नया उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने आखिरी वक्त पर बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से अपना कैंडिडेट बनाया है, जबकि रविवार शाम तक बाहुबली धनंजय सिंह और पत्नी श्रीकला रेड्डी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। श्री
कुंडली कला के टिकट कटने का कारण क्या है ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन ऐसा अचानक क्यों हुआ इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वीरेंद्र राम मामले में जांच कर रही ईडी का मानना है कि ये काली कमाई का हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि महज 15,000 सैलरी पाने वाले मंत्री के पीएस के नौकर के घर से ये नोटों की गड्डियां मिली हैं। मंत्री का नाम आलमगीर आलम है, इनके पीएस के नौकर के यहाँ ये रेड की गई है। सवाल ये उठता है कि ये रकम किसकी है और यहाँ कैसे पहुंची। वीरेंद्र राम मामले में छापेमारी कर रही ईडी को एक और ठिकाने से 3 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह अब तक कुल बरामदगी के 33 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए हैं। इस मामले में अब तक 6 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। वहीं झारखंड में कैश मिलने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये सब लुटेरे हैं, ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। आपको बता दें कि साल 2023 में ईडी को झारखंड में कुछ योजनाओं में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत मिली थी, जिसके बाद फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लगातार ईडी इस मामले में जांच कर भी रही थी। विशुद्ध राजनीति में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।